सबसे पहले तो आपको यूट्यूब ओपन करना है। यूट्यूब ओपन करने के बाद प्रोफाइल पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे नाम होगा, नाम पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ प्लस का सिंबल होगा, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद जो आपको यहाँ पर एक पेज खुलेगा जहाँ से जो आप ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, फॉर माई सेल्फ पे क्लिक करना है। फिर आपको जो है यहाँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है फिलअप करना है। ये चीज़ आप गूगल प्ले से भी कर सकते हैं, न्यू ईमेल आईडी बना सकते हैं, या फिर जो है आप ईमेल वाला एप्लीकेशन आता है वहाँ से बना सकते हैं। यहाँ पर जो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर आपको जो यहाँ पे एक ईमेल आईडी चूज करना है अपनी तरफ से, ठीक है। तो मतलब आपको चेक करना है कि अवेलेबल है कि नहीं। तो मैं अभी यहाँ पर जो है चेक कर लूँगा अपनी तरफ से ईमेल आईडी एक डाल के। अगर अवेलेबल हो तो उसको लेके आप नेक्स्ट कर सकते हैं, अगर अवेलेबल नहीं हो तो नीचे में सजेशन देता है, तो आप सजेशन अगर आपको पसंद आए तो उसको भी लेके जो है आप ईमेल आईडी बना सकते हो, नेक्स्ट कर सकते हो। तो ये ईमेल आईडी अपनी तरफ डाल के मैंने नेक्स्ट किया, तो देख सकते हैं यूजर इज टेकन। ये यूजर जब पहले से ही किसी ने ले रखा है। तो मैं कुछ और डाल के यहाँ पे जो ट्राई करता हूँ। तो ये भी किसी ने ले रखा है, नीचे ऑप्शन है अवेलेबल, तो मैं इसको लेके जो है कंटिन्यू करूँगा। देख सकते हैं ये वाला ईमेल आईडी मैंने सेलेक्ट किया, अवेलेबल था। और जो है नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। फिर यहाँ पे जो पासवर्ड देना होगा, जो भी आप पासवर्ड सेट करना चाहते हैं, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, यस पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पे करना है। फिर आपको एग्री पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो आपका जो है अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर ईमेल तो क्रिएट हो गया, लेकिन आपने कहीं भी अपना नंबर जो है वेरीफाई नहीं कराया, ठीक है। तो आपको जो है खुद का नंबर वेरीफाई करा लेना है, क्योंकि अगर फ्यूचर में अगर पासवर्ड आप भूल गए तो उसको जो है आप रीसेट कर सकते हैं पासवर्ड को, ठीक है। आपको जो रिकवरी फ़ोन नंबर और रिकवरी ईमेल आईडी जो है इसमें आपको ऐड कर लेना है। तो आपको जो है गूगल वाला एप्लीकेशन ओपन करना है। या फिर ओपन करने के बाद जो है आप को एक यहाँ पर प्रोफाइल का सिंबल दिखेगा टॉप में राइट साइड में, तो यहाँ पर आपको एक बार क्लिक करना है। तो नेट थोड़ा सा स्लो है, तो अभी देख सकते हैं। क्लिक करने के बाद गूगल अकाउंट का ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है एक पेज खुलेगा, यहाँ पर जो देख सकते हैं पर्सनल इन्फो है। और जो राइट साइड में स्लाइड करेंगे तो सिक्योरिटी का ऑप्शन आएगा। इसमें जो है नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं रिकवरी फ़ोन एड ऑफ मोबाइल फ़ोन नंबर और रिकवरी एंड ईमेल एड्रेस। तो फ़ोन नंबर पे क्लिक करेंगे, पहले फ़ोन को जो है ऐड कर लेते हैं। उसके बाद जो आपको यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, फिर जो है पासवर्ड देने के बाद जो है फिर जो है यहाँ पे आपको ऐड रिकवरी फ़ोन नंबर पे क्लिक करना है। फिर जहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर जो है फिलअप कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, गेट कोड पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे जो आपके फ़ोन में एक OTP आ जाएगा, उसको जो है आप यहाँ पे डाल के जो है वेरीफाई कर देंगे, तो आपका जो है फ़ोन नंबर जो है ऐड हो जाएगा आपके ईमेल आईडी में। तो फ्यूचर में कभी भी आप इस ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल जाते हैं तो जो है आप अपने फ़ोन नंबर डाल के जो है OTP मंगा के जो आप उसको जो है नया पासवर्ड जो है क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो आप इस ईमेल आईडी में जो है आप अपना दूसरा ईमेल आईडी भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि अगर दूसरे ईमेल आईडी पे भी अगर OTP वगैरह मंगाएंगे आप तो भी आपका जो है पासवर्ड रिसेट हो जाएगा।
यहाँ पर रिकवरी जो है, रिकवरी ईमेल आईडी का भी ऑप्शन है, तो मैं इसको भी अभी करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है यहाँ पर पासवर्ड फिर से देना होगा। तो यहाँ पर पासवर्ड देने के बाद फिर से जो है यहाँ पर जो रिकवरी ईमेल होगा उसको यहाँ पे डाल देना है। रिकवरी ईमेल डालने के बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही आपको जो यहाँ पे ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने जो जो ईमेल आईडी यहाँ पे डाला हुआ है रिकवरी के लिए, उस ईमेल आईडी को ओपन करना है। अगर इसी फ़ोन में लॉगिन है तो, या फिर जहाँ भी लॉगिन है उसको जो देख के इनबॉक्स में जाएंगे उसके, और वहाँ से जो ओटीपी लेके यहाँ पे फिलअप करके जो है वेरीफाई कर देंगे। तो यहाँ मैं ईमेल में आ गया हूँ। 3 लाइन पर क्लिक करके जो है यहाँ पे ऑल इनबॉक्स का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे ऑल इनबॉक्स पे क्लिक करेंगे फिर जो यहाँ पे जितने भी ईमेल आए होंगे रिसेंट में उसको वो दिख जाएंगे आपको, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे रिसेंट में आया है ईमेल का वेरिफिकेशन कोड, उसको जो लेके यहाँ पे जो है फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद जब वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे यहाँ जो है वेरीफाई हो जाएगा। तो गाइस थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एंड गुड बाय।